good morning dear students dear students we are doing unit 4 section d it's a letter which is written by a robot a letter from a robot until now we have read that rachit is a 16 year old robot he is writing a letter sitting in a time machine that letter is in two parts in the first part we read that um, the first part of his letter tells us how the efforts made by the space research organizations was always spoiled by the Tetak community of aliens living on Mars. After a hot of research, the scientists at Saru discovered that they could be successful in their missions only if they used a robot. This mission that a human would have to be converted into robot who would act an astronaut. For this, they needed a volunteer of my age. When he came to know about this, he met Professor Ghazi, the head of the mission. Finally, he was selected, and he was taken into a room which has. Machines. There he was made conscious unconscious. When he gained unconsciousness, he was no longer made up of skin. He was converted with metal. A computer with a keyboard was a attached to his body. The second part: sitting in the aircraft going to moon, he had seen many danger in space and. नेक्स्ट पेराग्राफ्ट माई स्पेस क्राफ्ट लैंडेड ऑन बर्थ सेम स्टाइ अर्थ मेरा स्पेस क्राफ्ट है वो कहाँ लैंडेड कर गया ऐसी जगह पर जो बिल्कुल अर्थ कि दिखती है ठीक है दिय वॉर्ड ऑफ रोबोट लाइक पीपल वहाँ बहुत सारे जो है रॉबोट है क्योंकि तो इसकी तरह जो लोगों की तरह हैं बिल्कुल लगते हुए दे देर सीम्स टू तो बी नो ट्री एनी वेयर और वहाँ पर कहीं भी मुझे जो है ट्री नहीं दिखाई दे रहा है इन द डिस्टेंस फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्पेस क्राफ्ट आई कुड सी एन एरिया डेट हैड शॉट अनहेल्थी सी तो जो मेरा कुछ ही दूरी पर ठीक है मेरी विंडो जो मेरी स्पेस क्राफ्ट में विंडो है वहाँ से मैं देखता हूँ कि कुछ दूरी पर क्या है उसे कुछ एरिया दिखाई दिया है जहाँ पर क्या है अनहेल्दी ट्रीज हैं नो वन वॉज टचिंग डैम और कोई भी उन ट्री को टच नहीं कर रहा है इनफैक्ट साथ ही साथ द पीपल हैड कम टू सी डैम और बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर आकर उसे उसे देखने के लिए आ रहे हैं एट द गेट वॉज अ साइन पोस्ट डेट रीट फॉरेस्ट टूरिज्म ठीक है फॉरेस्ट टूरिज्म है तो गेट पे जो पर जो वहाँ पर साइन बोर्ड लगा वहाँ पर क्या लिखा है फॉरेस्ट टूरिज्म एंड पीपल वर बाइंग ट्स टू गो इनसाइड और जो लोग हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं टिकट खरीद रहे हैं अंदर जाने के लिए इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट वो बहुत ही ज़्यादा क्या है गर्म हैड आई नॉट बीन मेड ऑफ मेटल माई स्किन वुड प्रोबेबली हैव गॉड अगर मैंने स्टील का पहना हुआ नहीं पहना होता तो शायद जो मेरी स्किन है वो सारी की सारी जल जाती मतलब वहाँ पर रचित बता रहा है कि मैं ऐसी जगह पर पहुँच गया हूँ जो बिल्कुल अर्थ की तरह लगती है और वहाँ पर कहीं भी उसे ट्रेन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कुछ विंडो से थोड़ी दूरी पे वो देखता है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर चल रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं एक मेन गेट के ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है फॉरेस्ट टूरिज़्म तो वहाँ पर जा रहे हैं और टिकट खरीद रहे हैं फॉरेस्ट uh, टूरिज्म के अंदर कुछ ट्रीज हैं जो वेल्थी ट्रीज हैं उनको देखने के लिए और वहाँ पर इतना गर्म है कि अच्छे कह रहा है अगर मैंने ये स्टील जो उसे पहनाया गया रॉबट बनने के लिए अगर नहीं पहना होता तो शायद उसकी बॉडी जल कर ख़त्म हो जाती है और ये कि, इन दिस कि कैसे जा रहे हैं जो है वहाँ से देख रहा है सब कुछ वेयर ऑन अर्थ वॉज आई मैं अर्थ पर कौन से भाग में हूँ आई वॉज नाओ गेटिंग नर्वस अब जो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ घबरा रहा हूँ मुझे लग गया कि अर्थ है और यहाँ पर क्या ट्री ख़त्म हो चुके हैं और लोग जो हैं टिकट लेकर जो ट्रीज़ को देखने जा रहे हैं तो अभी कह रहे कि मैं कौन से भाग पर हूँ अर्थ के और उसको देख के घबरा घबरा भी रहा है देअर वॉज़ नो मैसेज फ्राम द सो बेस और अभी तक कोई भी मैसेज जो है सरों से नहीं आया हुआ है सरो बेस से वट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए आई थॉट मैं सोचता हूँ जस्ट देन अ मैसेज फ्लैश्ड अक्रॉस माई कंप्यूटर स्क्रीन उसके एकदम ही क्या होता है एक मैसेज जो है फ्लैश होता है सामने प्रेजेंट होता है मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके सामने एक मैसेज आता है यू हैव रीच द ईयर थ्री थाउजेंड आप जो हैं कहाँ पहुँच गए हैं थ्री थाउजेंड ईयर पर पहुँच गए हैं वट प्रोफेसर गाजी मस्ट बी मिस्टेकन क्या प्रोफेसर गाजी ने क्या कोई गलती कर दी है आई वॉज सपोज टू गो टू द मून जो है मुझे कहाँ जाना चाहिए था मुझे तो मून पे होना चाहिए नॉट इन टू द फ्यूचर ना कि भविष्य में होना चाहिए था मतलब ये सोच रहा है अब रजित कि प्रोफेसर गाजी उन्होंने कोई गलती कर दी है जो मैं तीन हज़ार साल जो है आगे चला गया हूँ ठीक है और मुझे कहाँ पर होना चाहिए था इस समय मुझे मून पे होना चाहिए था और उसकी जगह पर मैं कहाँ पहुँच गया हूँ फ्यूचर में पहुँच गया हूँ प्रोफेसर गाजी अपेयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अब तभी प्रोफेसर गाजी हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपेयर होते अपेयर होते हैं एकदम दिखाई देते हैं ही लुकड काम एंड रिलैक्स बिल्कुल बिल्कुल काम और रिलैक्स लग रहे हैं ठीक है बिल्कुल भी टेंशन में नज़र नहीं आ रहे हैं वो डोंट वरी रचित मत घबराओ रचित ठीक है चिंता की कोई बात नहीं रचित वी हैव फाइंड फाउंड आउट वट वेंट रॉन्ग हमने ढूँढ लिया है कि क्या गलत हुआ है सिक्सटी सेकेंड बिफोर द काउंट डाउन ऑफ यर स्पेस क्राफ्ट तुम्हारे सिक्सटी सेकेंड जब होने वाले थे उससे पहले ही काउंटडाउन से पहले ही तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट काउंट डाउन है स्टार्ट होने से सिक्सटी सेकेंड पहले क्या हुआ लीजु चेंज द फंक्शन ऑफ योर स्पेस क्राफ्ट जो लिजु है जो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो मास से है उसने क्या किया जो फंक्शन है तुम्हारे स्पेस क्राफ्ट के उसे चेंज कर दिया एंड कन्वर्टेड योर स्पेस क्राफ्ट इन टू अ टाइम मशीन और उसने क्या किया वहाँ स्पेस क्राफ्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया टाइम मशीन में विच टूक यू टू द ईयर थर्टी थाउजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ द मून जिस जो कि तुम्हें कहाँ लेके चला गया तीन हज़ार साल आगे जहाँ जबकि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए था मून के ऊपर वी डिड नॉट कम टू नो हमें जो है इसके बारे में पता नहीं चला अबाउट इट हमें जो है इस बात के बारे में पता नहीं चला कि उसने जो है ऐसा कर दिया है द सन एंड द मून डेट व फ्लैशिंग पास 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 एयरक्राफ्ट व डे पासिंग और जो सन और मून तुम्हारे सामने से जा रहे थे ठीक है एयरक्राफ्ट के सामने से वो क्या था जो तो डेज हैं वो क्रॉस हो रहे थे ठीक है डे नाइट डे नाइट करके ऐसे नाउ यू आर सेफ लेकिन अब तुम क्या हो सेफ हो इट विल टेक और अबाउट फोर्टी फाइव मिनट्स टू गेट टू बैक टू द अर्थ तो हम जो हैं अब तुम्हें जो है फोर्टी फाइव मिनट लगेगा तुम्हें वापस अर्थ में वापस लाने के लिए यू शूड नाव गेट रेडी फॉर द टेक ऑफ अब तुम्हें जो है तैयार हो जाना चाहिए टेक ऑफ करने के लिए वर्ट और रिलीफ कितना रिलीफ मिला ये सुनकर बहुत आई वॉज ऑन माई वे बैक टू अर्थ मैं क्या था अपने वापिस जो अर्थ की तरफ वाले रास्ते पर था इट्स नाव टाइम फॉर मी टू लैंड अब ये क्या समय था कि मैं लैंड करूँ बाय फॉर नाव अभी के लिए बाय योर फ्रेंड रोबोनेट तो आपका दोस्त रोबोनेट तो इतना क्या रचित ने अपना लेटर जो है स्टॉप कर दिया तो डे स्टूडेंट टूडे वी हैव कम्प्लीट This, what will you do? You will read this paragraph. Okay. Tomorrow, we will take the next exercise. Thank you, and have a nice day.